नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को न्यू परिषद भवन में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की। इसके पूर्व मंत्री के पहुंचने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सतीश धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, नरेश वर्मा एवं अन्य नेताओं ने बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों संग बैठकर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री श्री आलम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संचालित योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से सुदूर क्षेत्र के ग्रामीणों को भी जोड़ना है और उसका लाभ देना है। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसी दिशा में कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों को भी बेहतर बनाना है। पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक हर गांव की सड़क बनाई जाएगी। इस संबंध में कई मामले संज्ञान में आए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बनने के बाद ही उस क्षेत्र का विकास संभव है। साथ ही कॉलेज स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ लोगों को हॉस्पिटल स्टेशन और प्रखंड मुख्यालय आने में सहूलियत होगी। बैठक के दौरान उन्होंने JSLPS और प्लास मॉड को लेकर भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। साथ ही सखी मंडल महिलाओं को सेंटर पर ही कैसे अधिक से अधिक काम मिले इस पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा है वह नियम से संचालित हो और ग्रामीणों को इसका भरपूर लाभ मिले, और कहा कि 31 अक्टूबर तक जिले भर में अधूरे पड़े लगभग 4000 PM आवास को पूरा किया जाए। मौके पर अपर समाहर्ता DRDA निर्देशक पंचायती राज पदाधिकारी ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकारी समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बाद में मंत्री श्री आलम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से महासंगठन की राज्य सरकार के विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है। हम सभी राज्य के गांव-गांव तक विकास करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार सड़क बनाकर छोड़ देते थे, उसको देखने वाला कोई नहीं होता था। अब यहाँ की सड़कों को आकर्षक और मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। इसी में से एक मनरेगा घोटाले का भी सवाल था, जिस पर मंत्री ने कहा कि जांच चल रही है, जल्द ही इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। वो 100% करीब करीब करा लिया गया है, और यहाँ पर सबसे जो एक योजना हम लोग चला रहे थे बिरसा हरित ग्राम योजना, आज जो वीडियोज आर ये सब पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि पहले का जो हमारा जब आने के बाद जब बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लाभुकों को प्लांटेशन कराने के लिए पौधा हम लोग दिए थे और JSLPS के माध्यम से मॉनिटरिंग उसको लगातार आज भी हम लोग कर रहे हैं, तो मोर देन 50% हेक्टेयर जो हम लोग लगाए थे उस जमीन में आज फलदार पेड़ के तरह हुआ, फल भी कहीं कहीं दिखाई हुआ इस बार। और जो है इस बार फर्स्ट चरण में एक ब्लॉक में हम लोग 80 acres करके जमीन लिए थे, बस इसमें वो हम करा दिए और सेकंड इसमें हम लोग करा नहीं जा रहे। सड़क के बारे में जो हमारी झारखंड सरकार की जो कॉन्सेप्ट है कि जो विगत दिनों में हम सड़क बनाए थे वो सड़क को उसका देखने वाला कोई नहीं था। सारे पुरानी सड़क एक बार हम लोग लिए थे 10 साल के ऊपर में जितने भी सड़क है उसका भी पैकेज और टेंडर भी कर हो गया है। कुछ नई सड़क जो 5 से 9 साल के तक जा रहा है वो सड़क का भी आपका पैकेज जा रहा है, DPR बन कर जा रहा है, उसको भी हम लोग कराने का काम करेंगे। और ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि पंचायत से प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए अगर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।